Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग. आज हम शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 17, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए. आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. वेल, यू पीपल विल से कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जब हम स्टडी कर रहे थे लुईस स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मल चार्ज को. वेल, यू आर करेक्ट, मगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी हमने डिस्कस नहीं की, एंड दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. H2O केमिस्ट्री पे हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप स्टूडेंट्स जो नीट जेई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपका टॉपिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाएं, सो दैट कि आप कोई गलती नहीं करें. वेल, इसलिए हमने इस टॉपिक को डिटेल में यहाँ पे रखा है, सो दैट कि आप इससे रिलेटेड हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लें. राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और यहाँ पे इसके आगे आप देख रहे हैं कि नंबर 3 लिखा है, विच मींस कि हम ऑलरेडी दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, और आज हम ये तीसरा टाइप ऑफ बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं. पहले हम तीनों को इकट्ठे आज डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. एग्जाम्पल है एक क्लासरूम का, जहाँ पे कि लंच ब्रेक हो चुकी है, स्टूडेंट्स बैठ के खाना खा रहे हैं और क्लास टीचर आराम से बैठ के उन बच्चों को ऑब्जर्व कर रही हैं कि वो बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं. वो क्या देखती हैं कि एक ऐसा बच्चा है जिसके पास बहुत सारा खाना है और वो मज़े से बैठ के अपना खाना खाता है, और जब उसका खाना फिनिश हो जाता है तब उसको टेंशन होती है कि टिफिन में अभी और खाना पड़ा है, मेरा पेट तो भर गया, और अब अगर मैं ये खाना छोड़ूंगा तो मैम मुझे बहुत डांटेंगी, क्योंकि मैम कहते हैं कि खाने को वेस्ट नहीं करना. अब वो क्या करे? वेल, वो इधर उधर देखते हैं और वो देखता है कि एक बच्चा ऐसा है जो कि बिल्कुल खाना नहीं खा रहा, तो उसको पूछता है, तुम क्यों नहीं खाना खा रहे मेरे भाई? तो वो कहता कि भाई मैं तो अपना टिफिन लाना ही भूल गया. कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने खाना खा लिया, तुम भी खा लो, मेरे पास अभी बचा हुआ पड़ा है. तो वो अपना खाना उस बच्चे को दे देता है, वो भी खुश हो जाता है कि उसको खाना मिल गया, और पहले वाले का टिफिन में से खाना फिनिश हो जाएगा, उसको भी डांट नहीं पड़ेगी, और दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है, जिसको क्या हम बोलते हैं, एक आयनिक बॉन्ड, जहां पे खाने का एक एटम से दूसरे एटम के पास ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का हम कह सकते हैं खाने को. राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? हमारे पास एग्जाम्पल है एक और बच्चे का. वो जब अपना टिफिन बॉक्स खोलता है तो वो देखता है कि मम्मा ने रोटी तो डाल दी मगर सब्जी तो डाली ही नहीं. और सभी एक और बच्चा अपना टिफिन खोलता है, वो क्या देखता है कि सब्जी तो मम्मा ने डाल दी मगर रोटी नहीं डाली. अब ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, दोनों अपना टिफिन सेंटर में रखते हैं और दोनों मिलके थोड़ी रोटी और सब्जी शेयर कर लेते हैं. राइट, दोनों को खाना मिल जाता है, दोनों में एक फ्रेंडशिप डेवलप होगी, विच इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उन दोनों ने अपना खाना शेयर किया. राइट, नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया तीसरी टाइप ऑफ फ्रेंडशिप. अब ये जो तीसरी टाइप ऑफ फ्रेंडशिप है, ये सबसे इंटरेस्टिंग फ्रेंडशिप है, क्योंकि एक बच्चा ऐसा है जिसके पास खाना है, और उसके पास ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा खाना है, उसके पास अपने लायक पूरा खाना है, मगर वो देखता है कि उसके साथ वाला बच्चा खाना लेके आना भूल गया, तो वो कहता है कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आजा हम दोनों मिलके खा लेंगे, थोड़ा तुम खा लेना थोड़ा मैं खा लूंगा. राइट, ये जो फ्रेंडशिप है इसको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेंडशिप, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. और अब हम इसको केमिस्ट्री में डिफाइन करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. क्यों स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि यहाँ पे एक शेयरिंग हो रही है, मगर ऐसी शेयरिंग हो रही है जहां पे बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेम एटम. राइट, और इस केस में होगा क्या कि डोनर एटम जो है
उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास अपना खाना पूरा है, मगर एक्सेप्टर एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इन दोनों के बीच में जब शेयरिंग होगी तो फॉर्म फॉन्ड होगा, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। सो वी हैव एटम ए जिसको हम कहते हैं डोनर एटम, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, और एटम बी जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। तो ये डोनर अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस एरो के साथ। एरो क्या शो करती है कि इस एटम से इस एटम के तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, डोनेशन हुआ, ठीक है, राइट। अब अगर हमें इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं डोनर एटम पे, नेगेटिव चार्ज देते हैं एक्सेप्टर एटम पे। ऐसा भी हम क्यों करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जब भी एक बॉन्ड ने फॉर्म होना है, कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि शेयर होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एटम ए देता है, एक इलेक्ट्रॉन एटम बी देता है। तो जब ये वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होना है तो एटम ए ने पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया शेयर करने के लिए। अब उसके पास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसने इस बी को दे दिया कि तू भी सेंटर में रख दे, राइट। तो एटम ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि लूज किया, अगर लूज किया तो उस पे आया पॉजिटिव चार्ज। एटम बी ने वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बी पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। सो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड को की तरह रिप्रेजेंट करने का तरीका, पॉजिटिव चार्ज डोनर एटम पे, नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर एटम पे, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों चेंज होगी, जबकि डोनर मॉलिक्यूल की सिर्फ शेप चेंज होगी। वेल, अब आपने अभी हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी नहीं किया, इसको हम स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, मगर आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप चेंज होगी, डोनर की सिर्फ शेप चेंज होगी, राइट। बाकी ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी ये डोनर एटम होते हैं इनको हम कहते हैं लोएस्ट बेस, और एक्सेप्टर एटम को हम कहते हैं लोएस्ट एसिड। वेल, अभी तक आपने जो एसिड बेसिस की डेफिनेशन को स्टडी किया है क्लास 10th में, वो क्या था कि जो भी मॉलिक्यूल में से हमें एच आयंस मिलेंगे, जैसे कि HCl है, उसको हम कहेंगे एसिड, और NaOH जैसे कि हमें वो बेस OH आयंस देता है तो हम उसको कहते हैं बेस। मगर एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने के बहुत सारे बेस है, जिसमें से एक डेफिनेशन हमें लुइस ने दी, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है दैट विल बी एक्टिंग एज अ बेस, और जो उनको एक्सेप्ट करता है दैट एक्ट्स एज एन एसिड, राइट। सो यहाँ पे हमारे केस में भी ऐसा ही है, इस डोनर को हम क्या बोलेंगे, लुइस बेस, और इसको लुइस एसिड। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि रेडली कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो कि वो रेडली अपना दूसरे मॉलिक्यूल के साथ शेयर कर सके जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया को जब हम मिक्स करते हैं HCl गैस के साथ तो फॉर्मेशन होती है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट वेपर्स दिखाई देते हैं, और ये रिएक्शन के अंदर होता क्या है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया विच कंटेन्स द लोन पेयर एंड एच पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl। इसको अगर हम लो स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये अमोनिया है, ये एच पॉजिटिव है जो कि हमें HCl की डिसोसिएशन से मिला, ठीक है। तो अमोनिया का लोएस्ट स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, राइट। तो ये हमारा एक एलिजिबल मॉलिक्यूल है जो कि
कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किसको देने लगा है, ये देने लगा है एच पॉजिटिव को, और एच पॉजिटिव क्या है, एच पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो रेडली इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में है, राइट। इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास ये है और दोनों के बीच में बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिमिलर रिएक्शन होती है जब HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वहां पे फॉर्मेशन होती है हाइड्रोनियम आयन की, दैट इज H3O पॉजिटिव। सो वी हैव H आयंस एंड वी हैव वाटर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दो इलेक्ट्रॉन्स, चार इलेक्ट्रॉन्स, 6 और 8, ठीक है। तो ये भी क्वालिफाई करता है एक ऐसे मॉलिक्यूल होने का जो कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये अपना एक लोन पेयर यहाँ पे सेंटर में रखेगा एच पॉजिटिव के साथ, अगेन एच पॉजिटिव का डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन ओ एंड एच एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स जल्दी से देखते हैं इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के। अमोनियम आयन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये एक रिप्रेजेंटेशन है इसके बॉन्ड्स की, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये सारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं, दे आर ऑल इक्वल एंड 109.5 डिग्रीज। नेक्स्ट वी हैव इज द ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल का लोएस्ट स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। तो ओजोन मॉलिक्यूल में क्या होता है, पहले हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। इन दोनों में अब जब ऑक्टेट को देखोगे तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद इस वाले ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट कंप्लीट, तो क्या ये अगला एक और बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यस ये कर सकता है। ये कैसे करेगा, ये इस वाले ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और इस वाले ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर सेंटर में रख के इस वाले ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, फाइन। तो चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखें। नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को भी हमने लोएस्ट स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड होता, ये ना होता, तो ये एक लोन पेयर होता। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे ये लोन पेयर होता, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता बाय दिस टू बॉन्ड्स एंड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मगर कार्बन के ऊपर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। सो दैट कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसलिए ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर को यहाँ पे सेंटर में रखा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड देयर इज we have a carbon oxygen triple bond in carbon monoxide. Next example, very interesting, nitrogen trihydride boron trifluoride NH3PF3. So, अब आप क्या देखते हैं कि अमोनिया, जैसे आपको मालूम है कि इसके पास नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक्ट करेगा डोनर एटम की तरफ, और BF3 का मॉलिक्यूल अगर हम स्टडी करते हैं तो हमने लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में भी स्टडी किया था कि ये एक लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की, जहां पे बोरॉन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, राइट। और यहाँ पे अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये एक एक्सेप्टर एटम की तरह एक्ट कर सकता है, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन बोरॉन के साथ शेयर करेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड।
अब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद सल्फर के पास एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, और वो लोन पेयर इसने इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने में यूज किया और हमारे पास बना सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो ये वाला लोन पेयर भी सल्फर यूज कर सकता है टू फॉर्म अनदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आप HNO3। तो HNO2 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल बनता और उसके ऊपर नाइट्रोजन पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको नाइट्रोजन ने शेयर किया ऑक्सीजन एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू और हमारे पास बन गया HNO3 का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है ट्राई आयोडीन आयन I3-। I3- कैसे बना, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास एक आयोडीन का एटम है, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक और आयोडीन का एटम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना, दोनों का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इनके साथ रिएक्शन हुआ एक I-, दैट इज आयोडाइड आयन का, और ये जब I- और I2 का रिएक्शन होता है उसमें फॉर्म हुआ हमारे पास I3-। एग्जाम्पल इसका अगर आपको बताऊं तो दैट विल बी जब हम आयोडीन को डिसॉल्व करते हैं पोटाशियम आयोडाइड में, ठीक है, I2+Ki, तो वहां पे हमारे पास ये I3- की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका दोनों का एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, इधर से आयोडाइड आयन की फॉर्मेशन में भी एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन एटम ने गेन किया, तो यहाँ पे आयोडाइड आयन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके बावजूद यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा यहाँ पे, जो कि आपको याद रखना है कि ये वाला आयोडीन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वाले आयोडीन के साथ शेयर कर रहा है और सेंटर वाला आयोडीन एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, दो इधर एक बॉन्ड फॉर्म किया, दो इधर, 4 हो गए और बाकी 3 एग्जिस्ट करेंगे एज लोन पेयर। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इनकी शेप्स को, राइट, वहां पे यू विल फाइंड आउट कि ये हमें कैसे मालूम लगा कि ये वाला आयोडीन है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और इसने दिए, फाइन। सो ये डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस वाले से नहीं, इधर से ऑपोजिट साइड पे नहीं है, इस साइड पे है, दैट इज समथिंग यू विल बी अंडरस्टैंडिंग जब हम इन शेप्स को डिस्कस करेंगे, फाइन। नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड में अगर आप देखोगे तो अगेन BF3 के जैसे एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो वो क्या करता है, एक और एल्युमिनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ एडअप होता है और एग्जिस्ट करता है SaAl2Cl6, जिसके साथ ये मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दूसरे मॉलिक्यूल के एल्युमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने में यूज किया और इस वाले के क्लोरीन ने इधर इस एल्युमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया और इन द प्रोसेस सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। तो इस तरीके का ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है और हम कहते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में एल्युमिनियम क्लोराइड है दैट एग्जिस्ट एज एन आयनिक कंपाउंड और ये फॉर्म करता है एक आयनिक कोऑर्डिनेट लैटिस, मगर इसके पास फिर भी सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फाइन। सो यू विल रिमेंबर दिस I3-, इसमें आयोडीन कौन सा वाला डोनर है, ये बाहर वाला, ये सेंट्रल आयोडीन विल बी एक्टिंग एज द डोनर एक्सेप्टर एटम, राइट। और यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड एक डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे। नेक्स्ट अब हमारे पास एग्जांपल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एज अ हाइड्रेटेड कैटायन।
हाइड्रेटेड कैटायन का मतलब क्या है कि वो कैटायन जिसकी हाइड्रेशन हुई है, जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए, और जो भी बॉन्ड बना बिटवीन द कैटायन एंड वाटर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अटैच्ड मेकिंग वन डेटिव बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एल्यूमिनियम आयन Al+3. अब Al+3 यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड है, और यहाँ पे हमारे पास बना एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड आयन, और ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है सारे के सारे एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे. कितने? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास है Be+2. Be+2 की हाइड्रेशन में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो जाएंगे, दैट विल बी बाय 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. द बॉन्ड बिटवीन द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दैट इज द लाइगेंड और द मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी अ डेटिव बॉन्ड. अगेन ये एक ऐसी चीज है जिसे हमने क्लास 12th में डिस्कस करना है, और काफी डिटेल में आपका पूरा एक कोर्स इस पे बेस्ड होगा. बट अभी के लिए एक एग्जाम्पल आपके पास है. हमारे पास है ये कॉपर अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में क्या फॉर्म करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. और फिर उसके बाद ये एस आयन निक बॉन्ड फॉर्म करेंगे विद सल्फेट आयन्स. ठीक है. तो ये कॉपर और अमोनिया के बीच में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. सिमिलरली ये वाले मॉलिक्यूल को आप देखोगे NiH2O6Cl2. तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है निकल और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे बिटवीन निकल एंड वाटर. नेक्स्ट चलिए डिस्कस करते हैं ब्रीफली प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. और ये जो प्रॉपर्टीज होंगी दे विल बी इंटरमीडिएट बीच में बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स. सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दे एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस. नेक्स्ट जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के, ये अगेन बीच में होंगे कोवेलेंट और आयनिक के. कोवेलेंट कंपाउंड से जनरली हायर और आयनिक कंपाउंड से कम. They are less soluble in polar solvents like water, but readily soluble in non-polar solvents like benzene and carbon tetrachloride. They are as stable as covalent compounds. Like covalent compounds, the coordinate compounds, they are poor conductors of electricity and they undergo molecular reactions which are slow. बिल्कुल exactly जैसे कि covalent compounds होते हैं. The dative bond is a strong bond and has a directional nature, right? So finally, ये हमारे लेक्चर की लास्ट स्लाइड है, मगर सबसे कम इम्पॉर्टेंट नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज हैव एन एज सेक्शन, जो कि हम जनरली वहां पर आपके लिए डालते हैं जहां पे हमें लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे एक्सेल करने के लिए, राइट. पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जनरली जो आपको शायद कहीं पे नहीं मिले और आपको एक्सेल करने में हेल्प करेंगे, राइट. सो सबसे पहले जो डेटिव बॉन्ड है, जब एक बार ही बनता है तो उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड. दोनों सेम ही तरह के होते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ इनमें क्या डिफरेंस है कि कैसे इन दोनों की फॉर्मेशन हुई. दोनों ही शेयरिंग से बने, एक में दोनों एटम्स ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट किया, और दूसरे में एक ही एटम ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्ट्रीब्यूट किया. Total number of covalent bonds and the dative bonds made by an atom will be called as its covalency. क्योंकि अब हम उनको distinguish नहीं कर सकते हैं, दोनों ही covalent bonds हैं, इसलिए जब आप covalency को determine करोगे तो इसमें dative और covalent bonds दोनों को ही count करोगे. Covalency of nitrogen therefore in the nitrate ion is 4. जब आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे नाइट्रेट आयन का, यू विल गेट 4 बॉन्ड्स फॉर्म एंड देयरफॉर द कोवेलेंसी इज 4. अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आप कैसे, आपको अगर चॉइसेस दी हो कि इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वहां पे आप क्या चेक कर सकते हो. वहां पे आप चेक करो सेंट्रल एटम को. सेंट्रल एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है और वो अपनी जो
कोवेलेंसी शो कर रहा है वो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी से ज्यादा है, राइट? तो वहां पे व्हाट यू विल बी सीइंग इज कि वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जनरली जो कोवेलेंसी शो करता है दैट इज 3, जैसे कि NH3 है, राइट? अगर अब ये 4 की कोवेलेंसी शो कर रहा है और यहाँ पे ऑक्टेट नाइट्रोजन का कंप्लीट है, तो व्हाट वी फाइंड इज कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा. सिमिलरली अगर हमारे पास सल्फर है इन द सल्फेट आयन, तो सल्फर भी अगर ग्राउंड स्टेट हो तो वहां पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 बॉन्ड्स. यहाँ पे कोवेलेंसी ये शो करेगा 6, और यहाँ पे ऑक्टेट अगर चेक करेंगे तो सल्फर का कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हायर कोवेलेंसी, सो देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर. नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन इन H3O पॉजिटिव. सिमिलरली ऑक्सीजन की भी जो कोवेलेंसी होती है दैट इज गोइंग टू बी 2, मगर यहाँ पे ये कोवेलेंसी शो कर रहा है 3, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं एक्सेप्ट फॉर मेटल कार्बोनिल्स वहां पे और अमोनियम सॉल्ट्स में अल्कली मेटल आइसोसाइनाइड्स में आयनिक कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड्स आपको तीनों मिलेंगे, राइट? सो प्लीज डू रिमेम्बर दिस. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे पूछा होता है कि इस वाले चॉइसेस में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे आपको आयनिक कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड मिलते हैं. तो ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर द मेटल कार्बोनिल्स, अमोनियम सॉल्ट और अल्कली मेटल आइसोसाइनाइड्स, इन सब में आपको आयनिक कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड मिलेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस. हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट 5H2O, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इन मॉलिक्यूल्स में आपको आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड सब मिलेंगे, राइट? सो प्लीज डू रिमेंबर थिंग्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में.